बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। तो मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए मैंने मिर्च ले ली है। आप देख लीजिए, कोई भी साइज़ के ले लीजिएगा, लेकिन मोटी मिर्च लेनी है हमने, ठीक है। और इसे बीच से मैंने कट लगा दिया है। एक ही कट लगाना है पूरे मिर्च में, ताकि एक जहाँ से कट लगाए ना, वहाँ से हम उसकी स्टफिंग कर पाए और दूसरी जगह से वो सील रहे, ठीक है। अच्छे से स्पून से मैं क्या करूँगी, जितने भी उसके अंदर के बीज हैं ना, वो सारे इसके सीड्स निकाल लूंगी। आप कोशिश करें जितने आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो अब क्या है, आपने बीज को लूज कर दिया है स्पून डालकर। तो जब आप इसको पलट के ऐसे थोड़ा सा पटकोगे ना, तो सारे जितने भी बीज है वो देखिए कितने आसानी से निकल भी गए और हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। तो ये बड़ी मिर्च थी, अब ये वाली जो है वो छोटी मिर्च है। इसको भी मैं अच्छे से वैसे ही करूँगी। एक हमें चीरा लगाना, सारे जो तमाम सीड्स है उसे स्पून की मदद से लूज कर दे और उल्टा करके मैं इसे फिर एक बार झटक दे तो तमाम सीड्स निकल जाएंगे। ऐसे ही तमाम मैंने जितने भी मिर्चियाँ थी, मोटी मिर्च लेनी है। मोटी मिर्च तेज़ भी नहीं होती और उसके बीज भी आसानी से निकल जाते हैं, तो बच्चे भी आराम से शौक से खा लेंगे। अच्छा जी, इसके तमाम मैं सीड्स निकाल लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी। अब आ जाते हैं स्टफिंग की तरफ। इसके लिए मैंने दो मीडियम आलू ले लिए थे, जिसको बहुत अच्छे से उबाल लेना है और उसके छिलके उतार लेने हैं, ठीक है। छिलके उतारने के बाद आप उसे मैश कर ले और एक टीस्पून भर के जो साबुत धनिया होता है ना, इसे मैं हाथ से मसल लूँगी, वो डाल दिया। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपनी सेहत के हिसाब से डालिए। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून मैंने भुना हुआ जो जीरा होता है ना, वो डाला है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी आमचूर का पाउडर, ताकि एक मज़े की चटपटी सी हमारी स्टफिंग बन जाए, ठीक है। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर मैंने कम इसलिए डाला है क्योंकि हरी मिर्च अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तेज़ होने की, तो वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। अच्छा जी, फोक की मदद से आपने इसे मैश करते जाना है, ताकि क्या बहुत अच्छे से आलू और मसाले अच्छे से अंदर घुल मिल जाए। अच्छे से जब मसाले मेरे बन घुल मिल गए, तो अब मैं स्टफ़ कर लूँगी। आप देख लीजिए कैसे स्टफिंग करनी है। जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से स्टफ़ कर ले, थोड़ा प्रेस करके जो एक्सेस ज़्यादा आलू की स्टफिंग अगर डल गई है वो आप निकाल ले, ठीक है, ताकि फ्राइंग में ना वो बाहर ना आए। तो बस अब मैं आप देख ले कैसे लगा कर उसे थोड़ा सा प्रेस कर ले, ऊपर से थोड़े से जो आलू अगर एक्सेस है बाहर आ रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। इतनी सारी माशाल्लाह से हमारी मिर्चियाँ घर पे बन जाती है, सस्ते में बन जाती है। बाज़ार की जो मिर्चियाँ होती है वो इतनी महंगी होती है और इतनी मज़ेदार और टेस्टी नहीं होती। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा। 1 कप मैंने बेसन ले लिया, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दिया और इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून जो साबुत धनिया होता है, उसे आप हाथ से मसल के डाल लीजिए ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। इसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है वो डाल दिया 1/4 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आप पकौड़े बनाएं तब आप ये बैटर यूज़ कर दें। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी आपने इतना ही शामिल करना है जिससे हमारा जो बैटर है ना वो गुठलिया ना हो उसमें और अच्छे से गाढ़ा सा एक कंसिस्टेंसी बन जाए, ठीक है। आप देख लीजिए मैं कैसे इसे गाढ़ी कंसिस्टेंसी कर रही हूँ। हल्के हल्के से पानी डालना है। एक साथ आप पानी डालोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाए, ठीक है। आराम से आप इसे करते जाएं मिक्स। मिक्स करने के बाद इसकी तमाम गुठलियाँ मैं इसकी निकाल दूंगी। अच्छे से फेंटते जाए, जैसे हम अंडा फेंटते ना, बस आपने वैसे फेंटना है। अब मैं क्या करूँगी, जो हमारी स्टफ मिर्चियाँ थी उसे डुबा दूँगी अच्छे से अंदर। आप देख सकते हो हमारा जो बैटर कितना गाढ़ा है कि हमारी मिर्चियों के ऊपर माशाल्लाह से अच्छे से कोटिंग हो गई। अब मैंने ऑयल को कर दिया मीडियम पे फ्राई। जैसे मेरा ऑयल मीडियम पे गर्म हो गया, मैंने तमाम मिर्चियाँ डाल दी। 5 मिनट तक मैं इसे एक साइड पे होने दूँगी। 5 मिनट के बाद इसे पलट लूँगी और 5 मिनट के लिए और मैं इसे पकने दूँगी, ठीक है। आपको मेरा ऑयल इसीलिए ऐसा ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने अभी कबाब इसमें फ्राई किए इफ्तारी के लिए, तो वही तेल में ना मैंने सोचा मैं मिर्चियाँ भी फ्राई कर लूँ और आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। तो बस मैं इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। बाहर की जो मिर्चियाँ होती है ना, उससे भी मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सारी घर में बन जाती है और दस्तरखान में ना बस बरकत ही बरकत होती है। आप सबको खूब मज़ा देगी ये मिर्ची और आप सबको तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिलेगी जब आप बनाओगे ना। तो बस मैंने ये जो दूसरा बैच है वो डाल दिया, तो आप देख सकते हो माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी सी अंदर से इतनी मज़ेदार स्टफ मिर्चियाँ तैयार है। ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी लगे रेसिपी तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।